नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैथ मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बॉल जॉइंट के बारे में। मैंने इससे पहले भी पिछली एक वीडियो बनाई थी बॉल जॉइंट के ऊपर, उसमें मैंने सब कुछ उल्टा बोल दिया था, इसलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी, इसलिए मैं फिर से इसको बना रहा हूँ। तो बॉल जॉइंट जो होता है ये एक तरह का स्टेबलाइजर होता है गाड़ी में, जो कि आपकी गाड़ी को स्टेबल रखता है, किसी भी रोड की कंडीशन कैसी भी हो उसको स्टेबल रखता है। बॉल जॉइंट बेसिकली दो जगह लगाई जाती है, एक तो आपका सस्पेंशन और स्विंग आर्म में लगा होता है, दूसरा आपका लगा होता है स्टेयरिंग कॉलम में। यानी स्टेयरिंग कॉलम में भी दो बॉल जॉइंट होते हैं, एक इनर होता है एक आउटर होता है। तो इस बॉल जॉइंट के कारण जो है आपका काफ़ी ज़्यादा साउंड आता है गाड़ी में, किसी भी तरह के बम्प में या छोटा मोटा कहीं भी थोड़ा सा रोड खराब हो तो खट 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 का साउंड जो है वो आना शुरू हो जाता है। उसका कारण होता है कि बॉल जॉइंट जो है वो फ्री हो जाता है पूरी तरह से। जब वो फ्री हो जाएगा तो वो झटके से लड़ना शुरू कर देता है और इसी कारण से जो है वो साउंड आता है। तो बॉल जॉइंट को चेक कैसे करना है, अगर आपकी गाड़ी से इस तरह की आवाज़ आ रही है तो आपको अपना स्टेयरिंग जो है किसी भी राइट या लेफ्ट जिस साइड से भी आवाज़ आ रही है, सपोज मान लीजिए राइट साइड से आ रही है, तो आप उसका स्टेयरिंग जो कंप्लीट है वो राइट साइड की ओर घुमा दीजिए, राइट साइड की ओर घुमा दीजिए, जिससे कि अंदर की जो सस्पेंशन वगैरह है वो क्लियर दिखने लगे। और इस तरह का जो बॉल जॉइंट होगा जो सस्पेंशन में और स्विंग आर्म में लगा होगा उसको आप हिला के देखिए, अगर वो हिलता है इसका मतलब वो ख़राब हो गया है, वो चेंज करने को खोज रहा है। फिर स्टेयरिंग कॉलम से साउंड अगर बॉल जॉइंट उसका ख़राब हो जाता है तो गाड़ी जो है आपकी टर्न लेते वक्त का स्टेयरिंग जो है वो थोड़ा सा अजीब बिहेव करेगा, आपके स्टेयरिंग में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आएंगे, आपका स्टेयरिंग रिस्पांस जो है पहले से कम हो जाएगा। तो बॉल जॉइंट जो ख़राब होती है उसका कारण क्या होता है कि ये जो है बहुत बॉल बेयरिंग होती है इसके अंदर और ये काफ़ी टाइट होता है, ये इस तरह से यही इसको स्टेबिलिटी देता है। और जब ये ख़राब होगा तो ये स्मूथ हो जाता है पूरी तरह से, इसको आप किसी भी पोजीशन में रखिए वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इसका मतलब है ये कि अंदर से काफ़ी ज़्यादा फ्री हो गया और इसमें प्ले आ गया है। जब इसमें प्ले भी आ जाता है ये हल्का सा इसमें प्ले है, तो जिसकी वजह से गाड़ी में काफी साउंड जो है सस्पेंशन से आता है। तो पिछली वीडियो भी इसी तरह बनाई थी, लेकिन ऑडियो अगर आप आज भी सुन सकते होंगे तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइज भी है, क्योंकि मैं नॉइज़ एडिटिंग नहीं करता हूँ। पिछली बार वीडियो 2 से 3 बार में शूट की थी, जिसकी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता और वीडियो में गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती, इसलिए मैंने वीडियो डिलीट की। तो सस्पेंशन नॉइज़ जो है वो कई कारण से आती है, अगर आपका बुश जो है अगर वो ख़राब हो गया है तो आपकी नॉइज़ आएगी। फिर आपका अगर सस्पेंशन लूज है, सस्पेंशन माउंटिंग जो आपकी गाड़ी के अपरन में जुड़ा होता है, अगर वहाँ से लूज है तो साउंड आएगा, आपका सस्पेंशन लीक कर गया है तो साउंड आएगा, और जितनी भी बुशिंग अगर ख़राब हो गई है तो साउंड आएगा। बुश वगैरह भी ख़राब कब होते हैं, जब गाड़ी एक्सट्रीम लेवल पर चलती है यानी डेली चल रही है तो ख़राब होती है, या फिर वो नमकीन पानी के कांटेक्ट में अगर ज़्यादा रहती है तो जल्दी बुश जो है वो ख़राब हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा जो गर्म एरिया है वहाँ के बुश जो है बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, मतलब ख़राब होने का मतलब 2 से 3 साल के अंदर अगर जो बुश जो है 6-7 साल में ख़राब होते हैं, तो अगर एक्सट्रीम हीट है या बहुत ज़्यादा चलती है तो 2 से 3 साल के अंदर जो है बुश ख़राब हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले बॉल जॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए बस ये चेक करना है कि बॉल ये जो आपका स्टेबलाइजर है यानी बॉल जॉइंट यानी टायर रॉड भी कहते हैं इसको, ये अगर लूज़ है मतलब ख़राब हो गया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अगर गट्ठे पूरा राइट लेफ्ट का सेट चेंज कराएं या उसी वक्त बुशिंग वगैरह सब कुछ चेंज कराएं तो इसको टाइट करने का आपको कुछ एग्जांपल, तो आपको बस करना ये है कि इसको किसी तरह से टाइट करना है तो आप इसके लिए बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कुछ जुगाड़ भी लगा सकते हैं इसको जैम करने के लिए। अगर ये थोड़ा सा जैम हो जाता है तो आपका ये थोड़ा सा काम करना जो है वो शुरू कर देगा और खटखट की साउंड जो है कम हो जाएगी। आप इसमें थोड़ा सा ग्रीस जो है वो भर सकते हैं, थोड़ा ख़राब ग्रीस हो वो भर सकते हैं,
खराब ग्रीस जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है गाढ़ा हो जाता है, उसमें ज़्यादा लुब्रिकेशन नहीं होता है, तो जब वो आप इसके अंदर डाल देंगे तो उसकी वजह से ये जो इसकी बॉल बैरिंग है वो जैम होना शुरू हो जाएगी, और जब वो जैम हो जाएगी तो आपको जो है थोड़ी सी साउंड जो है वो थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन इसको आप चेंज करा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसकी कॉस्ट लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास आती है, डिपेंड कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि ब्रांड की वजह से जो है पार्ट्स के ऊपर भी फर्क पड़ता है, कुछ ब्रांड्स के पार्ट जो है काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। बॉल जॉइंट ख़राब होने के बस यही एक कारण है कि ये लूज़ हो गया, तो मीन्स ये ख़राब हो चुका है, और ये अगर थोड़ा सा टाइट है तो मतलब अभी थोड़ा सा ये चलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।